हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसको पंतनगर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, या इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आउटसाइड व्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस एंड होम साइंस, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ फिशरीज। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज ग्राउंड एंड द ब्यूटीफुल रोड एंड सेंट्रल पार्क ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे, जो पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के इच्छा तहसील में स्थित पन्नगर शहर में है। पन्नगर यूनिवर्सिटी के जो नियर बाई टाउन्स है उनमें आते हैं रुद्रपुर, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। सेकंड आता है हल्द्वानी, जो यहाँ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और थर्ड आता है नैनीताल, जो यहाँ से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 17 नवंबर 1960 को इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो अभी हम आ चुके हैं पन्नगर के फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर में, जो कि एस्टेब्लिश किया गया है अंडर नाहेब प्रोजेक्ट। नाहेब प्रोजेक्ट है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। जनरली फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर का एम रहता है कि जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी हैं, उनकी टीचिंग कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर, जिससे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ती है और एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं तो आप तीनों रूट से आ सकते हैं, बसेस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। अगर आप एयर बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो पन्नगर एयरपोर्ट है, और इसकी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से 2.5 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका पंतनगर और हल्दी रोड पड़ेगा, जिसकी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप बाई बस ट्रैवल करते हैं तो दो हाईवे NH 87 और बरेली नेशनल हाईवे कॉलेज कैंपस को टच करता है, तो आप डायरेक्टली बसेस से भी आ सकते हैं। हेलो गाइस, हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर हम बना नहीं पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, जो कि यहाँ पे पहला कॉलेज है। ऐसे यहाँ पे 8-9 कॉलेजेस हैं हमारे डिफरेंट फील्ड के। तो अभी हम आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का थोड़ा व्यू दिखाएंगे। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर को 17 नवंबर 1960 में जब यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी तभी ओपन किया गया था। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का ट्रिपल मैंडेट है, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। तो दोस्तों, ये सामने है ऋषि परासर की प्रतिमा, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने कृषि की बारीकियों को अपने ग्रंथों के जरिए सबके सामने रखा है। और यहाँ पे अप्रॉक्स 200 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो पूरी एग्रीकल्चर साइंस में इंगेज हैं। यहाँ पे 185 से ज़्यादा वैरायटी की क्रॉप लाइक सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यहाँ पर रिलीज की गई हैं। और यहाँ का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो BSc AG है। इस कॉलेज के 12 डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि एंटेमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, वेजिटेबल साइंस, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में। तो ये देख सकते हैं आप, पीछे कॉलेज है मेरा। अभी इसके अंदर का एक टूर कर लेते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ होम साइंस। यह एस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। यहाँ पे एनुअल स्टूडेंट इनटेक अप्रोक्सीमेट 125 है और फैकल्टी स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट 25 है। कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस में, इसको 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस कॉलेज का एनुअल स्टूडेंट इनटेक अराउंड 255 है और यहाँ की फैकल्टी स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेट 81 के आसपास है। दोस्तों, अभी हमें कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी में, और एक ब्यूटीफुल कॉलेज कैंपस है आपका। यहाँ पे सेंटर में एक गार्डन है बेस्ट, और आप चारों तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में। यह कॉलेज 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे एनुअल स्टूडेंट इनटेक 185 है और यहाँ की फैकल्टी स्ट्रेंथ नियर बाय 72 है। अभी हम आ चुके हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में। इस
जिसको 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का एनुअल स्टूडेंट इनटेक अराउंड 532 है और यहाँ की फैकल्टी स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट 98 है। तो चलिए कॉलेज का एक टूर कर लेते हैं। कॉलेज में 11 डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑफर करते हैं 8 डिफरेंट बैचलर डिग्रीज। कॉलेज 24 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करता है जिसमें कि सेल्फ फाइनेंस MCA प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की न्यू बिल्डिंग में। न्यू बिल्डिंग के आप देखिए यहाँ पे लॉन एरिया है, जो फ्रंट का एरिया काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कॉलेज को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया जाता है यहाँ पे कॉलेज को। आप पेड़ों की कटिंग देखिए, नीचे से उसका बेस देखिए, काफ़ी मेहनत की जाती है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे एम्प्लॉय। जा रहे हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज की तरफ जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। इनिशियली इसे उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय नाम दिया गया था, बाद में 1972 में इसका नाम चेंज कर गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, राजनेता और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता पंडित गोविंद बल्लभ पंत की स्मृति में किया गया। पंतनगर के विश्वविद्यालय का कैंपस 12,661 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है एक संबंधित क्षेत्र के हिसाब से। सन 2002 से पहले विश्वविद्यालय के पास 16,000 एकड़ क्षेत्र था, जिसमें से 3,339 एकड़ को उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल इंडस्ट्रियल स्टेट के डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। बाकी बची हुई भूमि को अन्य उद्योगों, रेलवे, हवाई अड्डे आदि को भी सौंपा गया था। और इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज यानी मत्स्य विज्ञान सीरीज में, जिसको 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ का एनुअल स्टूडेंट इनटेक अराउंड 41 है। यहाँ पे 13-14 फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो अभी हम आ चुके हैं फिश सीड हैचरीज में। हैचरीज जरा ये जो जनरली वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग वगैरह करते हैं अर्ली लाइफ स्टेज में, कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स के अर्ली लाइफ स्टेजेस में उनकी जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है। यह कॉलेज इंडिया का वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इन द फील्ड ऑफ इनलैंड फिशरीज सेक्टर में, जहाँ पे आपको प्रोफेशनली ट्रेन मैन पावर मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज किया जाता है और उन टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर किया जाता है फिश कल्चरिस्ट, एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रीज को। कॉलेज ने एक की रोल एस्टेब्लिश किया इंडिया में इन द फील्ड ऑफ फिश फार्मिंग। काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ मॉडर्न फिश फार्म्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये आगे काफ़ी पॉइंट्स वगैरह हैं जहाँ पे फिश फार्मिंग के लिए जनरली यूज़ किए जाते हैं। हम यहाँ से निकलेंगे कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड द सेंट्रल पार्क ऑफ यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। इसको 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ का एनुअल स्टूडेंट इनटेक अराउंड 90 है और यहाँ की फैकल्टी स्ट्रेंथ नियर बाई 10-11 है। इसके बगल में वहाँ पीछे की साइड आपको दिख रहा होगा वहाँ पर लाइब्रेरी है हमारा, काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी है पन्नागर का, पूरी यूनिवर्सिटी का। कॉलेज से थोड़ा आगे की तरफ निकलेंगे तो ये हमारा सेंट्रल पार्क आता है यहाँ पे। सेंट्रल पार्क में इसको गांधी पार्क भी कहते हैं जनरली। तो अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। तो ये अपना प्रवेश मार्ग है यहाँ पे से, गाड़ियाँ अलाउड नहीं है अंदर जाना, सिर्फ पैदल जा सकते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुँच चुके हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। तो ये भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी है यहाँ की और स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इवन यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी है, क्लॉक टावर कहते हैं इसे, इसका आपको पीछे दिख रहा होगा मेरे। और मेरे साथ यहाँ पे दो लोग हैं यहाँ पे, शिवानी और अंकित शर्मा। अंकित शर्मा ने यहीं से PhD की है, ये डॉक्टर है यहाँ के। तो लाइब्रेरी के अलावा यहाँ पे चारों तरफ काफी ब्यूटीफुल है। और ये अपना आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, प्रशासनिक भवन। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कॉलेज के सेंट्रल पार्क में।
सो ये आपका पूरा पार्क है, यहाँ पे देख सकते हैं आप चारों तरफ पार्क के, काफी बड़ा एरिया है, काफी खुला खुला एरिया है। बीच में वुडन रेलिंग टाइप के लगाए हुए हैं। चलो एक सेंट्रल पार्क के ग्राउंड लगा लेते हैं। तो अभी सेंट्रल पार्क यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी देखने के बाद अभी हम निकलेंगे क्रॉप रिसर्च सेंटर की, उसके बाद हम आगे देखेंगे मॉडल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। जस्ट बाहर से एक ओवरव्यू देख के आएंगे। तो उसके बाद हम जाने वाले यूनिवर्सिटी स्टेडियम में, जहाँ पे सभी टाइप के स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस के अलावा काफी ऑन कैंपस रिसर्च सेंटर भी हैं और ऑफ कैंपस रिसर्च सेंटर भी अवेलेबल है। इन सब की डिटेल आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे स्टीवन स्टेडियम, पन्नागर यूनिवर्सिटी का स्टेडियम है। यहाँ पे जनरली सारे गेम्स वगैरह के प्रैक्टिस करते हैं लोग, जितने भी स्टूडेंट्स का। देखिए सबसे पहले फुटबॉल का ग्राउंड है यहाँ पे, इसके अलावा वहाँ दूर देख रहे होंगे यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, दो बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ पे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा हमारी ये बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, ये बिल्डिंगें दिख रही होंगी आपको सामने। ये आपका बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस का यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये अपना स्टेडियम का मेन बिल्डिंग है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं ग्राउंड की तरफ, यहाँ का जो मेन ग्राउंड है, ये पूरा स्टेडियम है। ये देखिए वॉलीबॉल कोर्ट है यहाँ पे, इसके अलावा रिले रेस के लिए या रेस किसी भी टाइप की रेस के लिए यहाँ पे पूरा रेसिंग का ट्रैक है। उसके आगे आप देख रहे होंगे आपको ये, इसके अलावा आपको लास्ट में क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नेट भी दिख रहे होंगे, नेट प्रैक्टिस के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं एनसीसी कैंप की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एनसीसी कैंप की तरफ। यहाँ पे पूरा हॉर्स राइडिंग का फुल ट्रैक है और हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है स्टूडेंट्स में। अभी हम निकलेंगे यूनिवर्सिटी के एक फेमस एरिया की तरफ, जिसको फूलबाग कहते हैं। फूलबाग एरिया काफी ब्यूटीफुल है, फूलबाग एरिया, चलिए एक बार देख के आते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। तो इस वीडियो में हमने पन्नागर यूनिवर्सिटी का काफी डिटेल में एक्सप्लोर किया है और यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप सब लोगों को पता चल गया होगा काफी। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स के और विकिपीडिया लिंक, जहाँ जहाँ से मैंने डिटेल लिए, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं और डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।